नमस्कार दोस्तों, मैं बाबूराम पटेल आप सबका अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जोन में आज एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्त, आज हम लेकर के आए हैं लाइव क्लास बिल्कुल टीनोफोरा के साथ। आज उपस्थित है टीनोफोरा के साथ। चलिए हमारे साथ आप इन प्रश्नों को हल करिए, देखा जाए। तो चलिए सबसे पहले आप यह बताइए, क्या वीडियो की जो क्लियरिटी है वह सही है अथवा नहीं, कमेंट करके आप बताइए दोस्त। चलिए देखा जाए, स्टार्ट हो चुकी है। नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है दोस्त, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न की ओर चलते हैं हम। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टीनोफोरा इज, टीनोफोरा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? अभी दोस्त किसी भी का कमेंट नहीं आ रहा है, आप कमेंट करें बिल्कुल। कंचन यादव गोल होने लगा, चलिए कुछ तो हो रहा है, गोल हो रहा है, लेकिन होगा सही होगा। चलिए देखा जाए इसका मुख्य लक्षण क्या है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि प्रेजेंस ऑफ ए कॉम्ब प्लेट्स फॉर लोकोमोशन। पहला ऑप्शन है कि इसमें प्रेजेंस होती है, किसकी प्रेजेंस होती है कि 8 कॉम्ब प्लेट पाई जाती है इसमें लोकोमोशन के लिए। दूसरा जो ऑप्शन है कह रहा है कि ऑप्शन साफ नेमेटोसिस्ट, तो बिल्कुल यह भी सही है, इसमें नेमेटोसिस्ट नहीं होता है। सूरज कोटारिया गुड इवनिंग सर, बिल्कुल गुड इवनिंग। और तीसरा जो ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ कोलोब्लास्ट और लासोसेल्स, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर यह भी है लासोसेल्स का पाया जाना ऑन द टेंटिकल्स फॉर कैप्चरिंग फूड, ये भोजन को पकड़ने के लिए लासोसेल्स अथवा कोलोब्लास्ट का पाया जाना, यह भी मुख्य लक्षण है। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, अर्थात इसका जो ऑप्शन नंबर डी है। तो दोस्त हम आपको बता दें इसका जो ऑप्शन नंबर डी है यह राइट आंसर है, इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आज के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ टीनोफोरा, निम्नलिखित में से कौन सा टीनोफोरा का एक उदाहरण है, इसे बताइए। टीनोफोरा का निम्नलिखित में से कौन एक उदाहरण है? देखिए इसमें से पहला ऑप्शन है बिरोई एंड सिस्टम्स, बिरोई एंड सिस्टम्स। दूसरा ऑप्शन है टीनोप्लाना है, और तीसरा ऑप्शन है प्लियोब्रेकिया, और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें से बताइए, बहुत लोगों का मनोज कुमार डी नंबर, और नम्रता पटेल बिल्कुल बहुत बहुत स्वागत है बेटा आप सभी का, सभी का लगभग इसमें जो ऑप्शन आ रहा है 4 नंबर अर्थात डी ऑप्शन है, ठीक है। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्त हम आपको बता दें, इसका चौथा नंबर ही राइट आंसर है, अर्थात डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर यह है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सिस्टम एंड बिरोई बिलोंग टू, किससे बिलोंग करता है सिस्टम एंड बिरोई, किससे बिलोंग करता है बताइए दोस्त, यह किससे बिलोंग करता है? ऑप्शन है आपके सामने प्रोटोजोआ, पोरिफेरा और सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। तो बिल्कुल सूरज कोटारिया, मनोज कुमार, कंचन यादव, विक्की मिश्रा, सबका आंसर लगभग लगभग सही है, करेक्ट सही है। तो इसका डी नंबर इज द राइट आंसर, इसका डी नंबर ये बिल्कुल राइट है, अर्थात टीनोफोरा से ये बिलोंग करते हैं सिस्टम एंड बिरोई, ठीक है। ये किससे बिलोंग करते हैं दोस्त, ये टीनोफोरा से बिलोंग करते हैं। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर हम लेकर के आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो आपके सामने यह रहा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है दोस्त। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कि स्टेटोसिस्ट किसमें प्रेजेंट होता है, स्टेटोसिस्ट किसमें प्रेजेंट होता है? दिव्या शुक्ला बहुत अच्छा बेटा, सभी लोग का परफॉर्मेंस ठीक है, सीमा यादव, कंचन यादव, ठीक है, बहुत ही बढ़िया आप लोगों का प्रदर्शन अभी तक जो रहा है, बिल्कुल सूरज कोटारिया। देखिए जो स्टेटोसिस्ट पाया जाता है हम आपको बता दें, वह टीनोफोरा में भी स्टेटोसिस्ट होता है और सिलेंट्रेटा में भी स्टेटोसिस्ट होता है, ठीक है। और तीसरा जो ऑप्शन आपको दिख रहा है वह क्या है, बोथ ऑफ देम, अर्थात ये दोनों,
ठीक है, उपर्युक्त दोनों। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर है वह क्या है, इसका सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सीज का राइट आंसर है, सही उत्तर सी नंबर है कि दोनों में पाया जाता है। ठीक है, अब चौथा ऑप्शन कहां से होगा, चौथे ऑप्शन में तो नल है तो यह तो हो नहीं सकता दोस्त। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर पांच, क्वेश्चन नंबर पांच आपके सामने है, देखिए बिल्कुल क्वेश्चन नंबर पांच। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर पांच, तो दोस्त बताइए क्वेश्चन नंबर पांच का सही उत्तर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर पांच, देखिए आपके सामने है एट कॉम्ब लाइक प्लेट्स, कॉम्ब लाइक प्लेट आठ जो है फॉर लोकोमोशन, लोकोमोशन के लिए आठ कॉम्ब लाइक प्लेट किसमें होता है, कंचन यादव, आराध्या, विपिन, दिव्या शुक्ला, दिव्या शुक्ला सी, संतोष पांडे डी नंबर। तो बिल्कुल हमारे बता दें जो कॉम्ब प्लेट पाई जाती है, आठ कॉम्ब प्लेट पाई जाती है, सीमा यादव, सूरज कोटारिया, बिल्कुल डी नंबर। तो डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, अर्थात इसका जो सही उत्तर है वह है टीनोफोरा, टीनोफोरा इज द राइट आंसर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, टीनोफोरा। ठीक है, तो चलिए देखिए हम आपको बता दें टीनोफोरा जो है एक छोटा सा फाइलम है जिसमें स्पीशीज की संख्या कम है। ठीक है, टीनोफोरा में तो हम आपको बता दें जो टीनोफोरा है यह भी इसका इसमें से जो टीजीटी पीजीटी के जो एग्जाम्स हैं इसमें भी क्वेश्चंस आ चुके हैं और इसमें टीनोफोरा से कैरेक्टरिस्टिक फीचर पूछा जाता है छोटा सा लेकिन है भाई, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है तो आप छोटा समझकर इसको छोड़ क्यों रहे हैं, एक एक प्रश्न हमने बताया आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो चलिए आप टीनोफोरा का आज ही हमने जो लेक्चर अपलोड किया है उसे आप देख भी सकते हैं और एक चलिए आगे बात करते हैं, अभी हम आपसे बात करेंगे लेकिन क्वेश्चन नंबर छह की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का छह क्या है, तो क्वेश्चन नंबर छह आपके सामने, देखिए क्वेश्चन नंबर छह, तो ये है क्वेश्चन नंबर छह। देखिए सूरज कोटारिया सर क्लियर नहीं दिख रहा है, थोड़ी समस्या हो सकती है बेटा, देखिए नेटवर्क भी समस्या बहुत ज्यादा है, इसमें नेटवर्क बहुत वीक चल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर छह का उत्तर बताइए, क्वेश्चन नंबर छह क्या है कि बॉडी ए सिलोमेट एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी ए सिलोमेट प्रकार की बॉडी और ट्रिप्लोब्लास्टिक किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक और ए सिलोमेट बॉडी किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, बिल्कुल कमेंट करिए। ठीक है, कई लोगों का जो आंसर आ रहा है नवनीत शर्मा, संदीप कुमार वर्मा, सूरज कोटारिया, बी इज द राइट आंसर। तो हम आपको बता दें ए सिलोमेट और ट्रिप्लोब्लास्टिक इसका बी ही सही आंसर है। तो दोस्त इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आज के क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन। तो दोस्त हमें लगता है क्वेश्चन नंबर सेवन आपका फिर से आ गया, रिपीटेड क्वेश्चन है लेकिन फिर से हम घूर कर ले आते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन कहां है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेवन, तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन आपके सामने है। ठीक है, यह रहा क्वेश्चन नंबर सेवन, देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन क्या कह रहा है दोस्त, इसको समझिए। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीनोफोरा इज, टीनोफोरा का मुख्य लक्षण क्या है, टीनोफोरा का मुख्य लक्षण क्या है, यहां आपके सामने है, देखिए जरा और बताइए बिल्कुल कमेंट करके सातवें का आंसर क्या होगा, बताइए बिल्कुल। सूरज कोटारिया डी नंबर, डी कहां से होगा बेटा, संतोष पांडे, संतोष पांडे जी बिल्कुल आपका जो आंसर जा रहा है ए नंबर पर जा रहा है। कई लोगों का विक्की मिश्रा ए नंबर, राधे श्याम ए नंबर। तो हम आपको बता दें दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर है वह ए ही है, मोनिका सिंह सी नहीं बेटा। देखिए इसका जो बायोलुमिनेसेंस, बायोलुमिनेसेंस इसका मुख्य कैरेक्टर्स है जय प्रदीप्त और इस संघ के जो इस फाइलम के जो जंतु होते हैं वो प्रकाश उत्पन्न करते हैं, प्रकाश उत्पन्न करने के साथ साथ इसमें जब उत्पन्न करते हैं तो रेनबो के जैसा स्ट्रक्चर्स बनता है। ठीक है, आप देख सकते हैं बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण। और आपको बता दें टीनोफोरा के अलावा नॉक्टिलुका जो सबसे ज्यादा पूछा गया है नॉक्टिलुका, ठीक है नॉक्टिलुका, सुधीर शुक्ला गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो जो नॉक्टिलुका है वह भी बहुत ज्यादा बार पूछा गया है कि नॉक्टिलुका भी जो बायोलुमिनेसेंस है यह प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर आठ, क्वेश्चन नंबर आठ आपके सामने है दोस्त, क्वेश्चन नंबर आठ की तरफ हम चलते हैं।
तो आपके सामने यह रहा क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, सोशल साइंस बाय अशोक सर। बिल्कुल सर, आपका स्वागत है। आप हम भी हैं हृदय, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए यह रहा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन नंबर 8, इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए बताइए, दिव्या शुक्ला बेटा क्लियर नहीं दिख रहा है, थोड़ी समस्या होगी। देखिए थोड़ा सिस्टम भी थोड़ा सा डेवलप कर रहे हैं, और आपको बता दें कि बहुत अच्छी अच्छी सी क्लासेस कुछ लोग दे रहे हैं कि जो बिल्कुल स्मार्ट बोर्ड होता है। तो हमारे पास थोड़ा सा जुगाड़ टेक्नोलॉजी, क्योंकि अपनी इंडिया है, इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है जुगाड़ टेक्नोलॉजी की तरफ चलते हैं, तो कुछ हमने ऐसा भी किया है। तो दोस्त बस आपका साथ सहयोग रहा तो पूरा सिलेबस भी होगा और मजा भी आएगा, समझ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट इन टिनोफोर्स एंड द लार्वाइज। टिनोफोरा में डेवलपमेंट इनडायरेक्ट प्रकार का होता है, इसका लार्वा क्या कहलाता है, ठीक है। तो चलिए मोना मोनिका सिंह, मेरा सीडीएम सर फैसियोला का है, बिल्कुल। लेकिन यहां पर क्या है आपको बता दें, कई लोगों का जो आंसर आ रहा है सी नंबर आ रहा है, तो आप बता दें बिल्कुल सी ही इसका सही उत्तर है, सी। क्योंकि लार्वा जो टिनोफोर्स में पाया जाता है, सीडीपीड लार्वा इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है सीडीपीड लार्वा ही है। कंचन यादव, बिल्कुल पूरी क्लास होगी बेटा, बिल्कुल पूरी क्लास होगी, समझ रहे हैं। बस आप लोग सपोर्ट करिएगा, साथ दीजिएगा, पूरी क्लास आपके साथ हम लेकर के उपस्थित हैं, उपस्थित रहेंगे भी। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, टिनोफोर्स आर, जो टिनोफोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, टिनोफोर्स कैसे होते हैं, चलिए इसका उत्तर आप बताइए। ए नंबर कह रहा है यूनिसेक्सुअल क्रिएटर्स, एक लिंगी होते हैं। दो बी नंबर में कह रहा है हर्माप्रोडाइट्स होते हैं, और सी नंबर में कह रहा है एसेक्सुअल क्रिएटर्स होते हैं, और चौथे नंबर में कह रहा है नियोटिक फॉर्म में होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कई लोगों का जो आंसर आ रहा है वह बी नंबर आ रहा है, तो बी नंबर सही बात है दोस्त। इसका जो करेक्ट आंसर है वह बी ही होगा, बी। हर्माप्रोडाइट्स को आप बाइसेक्सुअल भी कहते हैं, बाइसेक्सुअल, ठीक है, बाइसेक्सुअल द्विलिंगी, ठीक है, बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल तो होता नहीं भाई, यूनिसेक्सुअल का मतलब यह हुआ कि एक लिंग केवल एक ही जंतु पर होगा, बाइसेक्सुअल का मतलब है कि यह दो अलग अलग जंतुओं पर होगा, ठीक है। एक आप बात याद रखिएगा, डी का मतलब क्या, डायोइसियस और यूनिसेक्सुअल, ठीक है। डायोइसियस कहलाता है कंडीशन यूनिसेक्सुअल के लिए, उसके बाद अब बाइसेक्सुअल आ गया, ठीक है, तो मोनोइसियस होता है, मोनोइसियस फॉर्म होता है बाइसेक्सुअल के लिए। तो इसका जो सही आंसर है दोस्त हम आपको बता दें वह हर्माफ्रोडाइट्स ही है, हर्माफ्रोडाइट्स ही इसका सही उत्तर है, ठीक है। तो अभी लाइक करने वालों में से संख्या कम है थोड़े भाई, देखिए आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, ठीक है। तो फटाफट जो लोग लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक कर दीजिए, तो थोड़ा सा उससे हालांकि कुछ होता नहीं, लेकिन अपनी ऊर्जा बरकरार बनी रहती है और हमें ऊर्जा मिलेगी तो आप जान रहे हैं कि आपको भी ऊर्जा मिलेगी। बाइक में जितना फ्यूल डालेंगे बाइक उतनी देर चलेगी, ठीक है। चलिए, ठीक है, चलिए क्वेश्चन 10 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 को बताइए दोस्त क्या होगा उत्तर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सी वॉलनट्स बिलोंग द फाइलम, समुद्री अखरोट किस संघ में आते हैं। यह टीजीटी 2011 का क्वेश्चन है, टीजीटी 2011 का यह क्वेश्चन है, ठीक है। बताइए, सी वॉलनट बिलोंग टू फाइलम, समुद्री अखरोट किस संघ में आते हैं। आप जानते हैं टिनोफोरा के तीन नाम से हैं, सी भूजेली और सी वॉलनट्स और कॉम्बजेली, तीन इसके नाम हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, बिल्कुल सर भी जुड़ चुके हैं एएम लाइव प्लस, तो देखिए बिल्कुल नोट्स मिलेगा बेटा। हम आपको बता दें राधेश श्याम जी, नोट्स के लिए हम आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप कमेंट करिएगा, हम आपको एक नंबर उपलब्ध कराएंगे, उस नंबर के थ्रू आप लोगों को नोट्स आप मंगाना चाहेंगे ऑनलाइन डाक द्वारा, तो आपको डाक के द्वारा भी मिल जाती हैं नोट्स। बहुत सारे लोगों के लिए मैंने ये सुविधा दी है।
करिएगा, आप जैसा आप चाहते हैं वैसा बाई हैंड अगर आप चाहते हैं प्रयागराज में आप आ सकते हैं, प्रयागराज में आपको मिल जाएंगे। अगर आप मंगाना चाहते हैं तो आपको नोट्स मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए इसका उत्तर क्या होगा दोस्त, सी वॉलनट। हम आपको बता दें किस संघ में आते हैं, तो सी वॉलनट आते हैं टीनोफोरा में। किस में आते हैं दोस्त, टीनोफोरा में। तो इसका बी इज द राइट आंसर, बी इसका सही उत्तर है, ठीक है। चलिए व्हाट्सएप नंबर, बिल्कुल बेटा व्हाट्सएप नंबर हमने आपको दिया था, आज एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं, अभी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन तब तक के लिए हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 11 को आप बताइए, लिखा है टीनोफोर्स बहुत ज्यादा है, तो है कि नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण कहीं आपके पास नेटवर्क, कहीं हमारे पास नेटवर्क प्रॉब्लम, जिसके कारण से पूरी क्लास आप थोड़ा सा लेकिन गोल हो रहा है कंचन यादव जी, बिल्कुल। लेकिन चलिए जहां सफलता होती है बेटा वहां कठिनाइयां जरूर होती हैं। तो चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, तो हम आपको बताते हैं इसमें से कौन, तो बाई रेडियल सिमेट्री, अर्थात इसका सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। टीनोफोरा में बाई रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, टीनोफोरा में बाई रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर आज 12 की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, यह रहा क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है दोस्त, सिस्टम इज कॉमनली कॉल्ड, इसका एक जीनस है सिस्टम, सिस्टम को सामान्य रूप से क्या कहा जाता है, सिस्टम को सामान्य रूप से क्या कहा जाता है, आज का क्वेश्चन नंबर 12। तो बताइए कमेंट करिए इसका कौन सा, इसका ऑप्शन सही है दोस्त, कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है, बताइए फटाफट कमेंट करके आप बताइए। बिल्कुल सी नंबर मैक्सिमम लोगों का उत्तर आ रहा है, अतुल यादव सर आप भी जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इसका जो है सी, बहुत ही अच्छा, सभी लोगों का जो कमेंट आ रहा है, सिस्टम मुख्य रूप से सिस्टम को क्या कहा जाता है, वीनस गर्डिल अथवा बेल्ट कहा जाता है, वीनस गर्डिल अथवा बेल्ट के नाम से यह जाना जाता है। नेटवर्क प्रॉब्लम, देवेंद्र कुमार मिश्रा, बिल्कुल नेटवर्क प्रॉब्लम है कहीं आपके पास कहीं हमारे पास, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन इसी तरीके से पढ़ेंगे, किसी भी तरह हो लेकिन हम लोगों को कवर करना है, पूरा कवर करना है, ठीक है, जूलॉजी के साथ साथ बॉटनी भी कवर करना है। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 13, आज का क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं, तो आपके सामने यह रहा क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है इसको देखा जाए दोस्त, लासो सेल्स आर प्रेजेंटिंग, देखिए लासो सेल्स आ गया, लासो सेल्स आर प्रेजेंटिंग, लासो सेल्स किसमें उपस्थित होता है, बताइए लासो सेल्स किसमें उपस्थित होता है, इसका आंसर क्या होगा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, पोलीफेरा, प्रोटोजोआ, इसका सही उत्तर क्या है। कई लोगों का दो नंबर ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। पप्पू यादव सर 2016 का एग्जाम कब तक होगा, आप जान रहे हैं चयन बोर्ड की प्रक्रिया बहुत धीमी है, अभी यहाँ पर प्रदर्शन लगातार चल रहा है, यहाँ आपके साथियों के द्वारा लगातार प्रदर्शन हो रहा है, अभी कल भी हुआ आज भी हुआ, वहां पर पूरी जो चयन बोर्ड का माहौल है पूरा छावनी में पीएससी और पुलिस पूरी बटालियन के साथ वहां तब्दील कर दिया गया, जिसके कारण से बहुत सी अड़चनें आ रही हैं, और इस समय मनसा बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रही है कि आखिर क्या होगा, समझ रहे हैं। तो चलिए लेकिन फिलहाल एग्जाम तो होगा ही होगा, आप तैयार रहिए उसके साथ, उसके लिए निश्चित रहिए। तो कई सभी लोगों का जिसमें आंसर आ रहा है इसका दो नंबर आंसर आ रहा है, तो दो इज द राइट आंसर, अतुल यादव बिल्कुल बहुत ही अच्छा, इसका दो नंबर इज द राइट आंसर, दो नंबर सही उत्तर है इसका। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं, तो आपके सामने यह रहा क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, द फ्री स्विमिंग लार्वा फॉर्म, स्वतंत्र रूप से तैरने वाला जो लार्वा अवस्था होती है, आप प्लूरोब्रैंकिया, प्लूरोब्रैंकिया का जो स्वतंत्र अवस्था लार्वा होता है उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। देखिए इसमें जो है हम आपको बता दें, बायोल्यूमिनेसेंस तो था ही, बायोरेडियल सिमेट्री थी ही, और इसके साथ साथ इसमें दो, जैसे आप जानते हैं दो टेंटिकल्स, यानी जोड़े में इसमें टेंटिकल्स पाई जाती हैं जोड़े में, और आठ कॉम्ब प्लेट पाई जाती हैं,
आठ कॉम्ब प्लेट पाई जाती है इसमें, और ये टेंटिकल्स होती हैं। इसी टेंटिकल्स के ऊपर नेमेटोसिस्ट नहीं बल्कि यहां पर लासो सेल्स होती हैं। कौन सी सेल्स होती हैं दोस्त? लासो सेल्स, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, इसे लासो सेल्स कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है बिल्कुल डी, सूरज कटारिया डी। देखिए यहां पर डी इज द राइट आंसर। सीडीपिड लार्वा है इसका, अर्थात जो टीनोफोरा है इसका, जो टीनोफोरा का सदस्य है प्लीरोब्रैकिया, प्लीरोब्रैकिया टीनोफोरा का सदस्य है, इसका जो लार्वा है वह है सीडीपिड। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर हम 15, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने रहा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15, बिरुई इज कॉमनली कॉल्ड, बिरुई कॉमनली कॉल्ड, बिरुई को सामान्य रूप से क्या कहा जाता है? मोनिका जी आप में तेरा चल रहा है, ये नेटवर्क सर्वर प्रॉब्लम के कारण बेटा, सर्वर, ठीक है नेटवर्क। चलिए इसमें क्या है, बिरुई को सामान्य रूप से क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन जो आपके सामने है वह स्विमिंग, स्विमिंग, स्विमिंग ही नहीं, यहां थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, स्विमिंग आई ऑफ कैट। दूसरा ब्रेन कोरल, डेड मैन्स फिंगर, और चौथा है वीनस गर्डिंग। तो इसका जो सामान्य नाम है वह क्या है? बहुत ही अच्छा विक्की मिश्रा, 15 का ए, ठीक है अध्ययन विपिन 15 का ए, दिव्या शुक्ला ए, मोनिका सिंह ए, नम्रता पटेल ए, बहुत सही, बहुत ही अच्छा, सभी लोगों का आंसर ए आ रहा है, 1 इज द राइट आंसर। 15 का जो सही उत्तर है वह ए ही है। दोस्त हम आपको बता दें हमारे एक ही लेक्चर में पूरा मैं कवर करने का प्रयास करता हूं, आगे जो हमारा लेक्चर होने वाला है प्लेटिनम इंथीस थोड़ा सा बड़ा है, तो हो सकता है कि दो लेक्चर में हो। ठीक है, जिन्होंने वीडियो नहीं देखा वो जाकर के आप हमारे चैनल पर वीडियो में आप चले जाइएगा, ऑप्शन में वीडियो से पूरी आपको वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, वहां से आप देख सकते हैं पूरा। चलिए आपको हम अपना व्हाट्सएप, जिसे नोट्स चाहिए व्हाट्सएप नंबर मैं आपको बताता हूँ, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9450521588। ये व्हाट्सएप नंबर है, बाकी नो डिस्कशन कुछ भी नहीं, बाकी आप नोट्स अगर आपको चाहिए नोट्स के लिए आप इस पर जो है व्हाट्सएप पर अपना नाम एड्रेस और किसके लिए आप नोट्स के लिए तो आप लिख सकते हैं, मैं आपको नंबर उपलब्ध कराऊंगा और आपको नोट्स मिल जाएगी। तो आज की हमारी क्लास में बस यहीं तक, चलिए फिर मिलेंगे, ओके थैंक यू।